नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। मेरा नाम है आशु आन्या और स्वागत है आपका हमारे चैनल जिसका नाम भी है आशु आन्या। आज मैं आप सभी दर्शकों को हस्तरेखा पाल्मिस्ट्री में संतान रेखा के बारे में बताने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं संतान रेखा के बारे में। आज मैं आप लोगों को संतान रेखा के बारे में बताने जा रही हूँ। वे रेखाएं जो विवाह रेखा के ऊपर ऊपर की ओर उठती दिखाई देती हैं, वे रेखाएं संतान रेखाएं कहलाती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारी हथेली एक हमने बनाई है, हथेली बनाई है यहाँ पे, ये पूरा हथेली हम लोगों ने बनाया है। और इस हथेली के ठीक बुध क्षेत्र पे, यहाँ ये छोटी उंगली के नीचे ये बुध क्षेत्र है, बुध क्षेत्र पे हम लोगों ने ये विवाह रेखा बनाई है। इस तरीके से ऐसे ये जो है हमारी विवाह रेखा है, ये जो इस तरीके से खींची गई है ये विवाह रेखा है। और इसी विवाह रेखा के ऊपर आड़ी खड़ी खड़ी जो ये रेखाएं हैं, ऐसे ये तीन रेखाएं जो आप देख रहे हैं ये संतान रेखाएं हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और इन्हें बहुत गहराई के साथ देखना पड़ता है। ये संतान रेखाएं बुध पर्वत पर, बुध क्षेत्र पर स्थित होती हैं और बहुत ही सूक्ष्मता से देखने के बाद ये संतान रेखाएं हमें दिखाई देती हैं। यदि उंगलियों के छोर से हथेली के इस भाग को अच्छी तरह दबाया जाए तो संतान रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएंगी। कभी कभी तो ये रेखाएं साफ साफ दिखाई दे जाती हैं, विशेषकर स्त्रियों के हाथों में। कभी कभी उनकी परीक्षा करने के लिए वृहत यंत्र यानी मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करना पड़ता है। चौड़ी और गहरी रेखाएं पुत्र सूचक होती हैं और पतली रेखाएं पुत्री सूचक होती है। जैसे आप देख रहे हैं इस संतान रेखा में, जो भी संतान रेखा जो चौड़ी होंगी, जो गहरी होंगी, सुस्पष्ट होंगी, तो ये पुत्र संतति की सूचक होती है। और इस विवाह रेखा पे अगर पतली छीन और बहुत ही छोटी हल्की फुल्की रेखाएं दिखे, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो पुत्री संतति की ये सूचक होती है। विवाह रेखा के ऊपर जो गहरी रेखाएं होंगी वो पुत्र सूचक होती है और जो हल्की रेखाएं होती हैं वो पुत्री सूचक होती है। जब रेखाएं सुस्पष्ट और सीधी होती हैं तो बच्चे स्वस्थ होते हैं। जब वे रेखाएं क्षीण या टेढ़ी मेढ़ी होती हैं तो बच्चे दुर्बल और बहुत ही क्षीण होते हैं। यदि किसी संतान रेखा के आरंभ में द्वीप चिन्ह हो तो आरंभ में तो बच्चा कमजोर होगा। अगर किसी ये संतान रेखा में द्वीप चिन्ह बना हो, मान लीजिए ये रेखा है और इस पे ऐसे द्वीप चिन्ह बन गया, ऐसे करके ये द्वीप चिन्ह बन गया, संतान रेखा में ऐसे द्वीप बन गया, तो यदि किसी संतान रेखा के आरंभ में द्वीप चिन्ह हो तो बच्चा कमजोर होगा। यदि रेखा द्वीप चिन्ह के बाद सुस्पष्ट हो, इसका मतलब है कि अगर द्वीप चिन्ह बना है और लेकिन उसके बाद में उसके स्वास्थ्य में सुधार होना होता हुआ जाएगा, जैसे कि द्वीप चिन्ह बना है और द्वीप चिन्ह के बाद भी ये रेखा आगे की तरफ अच्छी है, द्वीप चिन्ह बन गया है संतान रेखा में, फिर भी ये आगे की तरफ लाइन अच्छी है, तब क्या होगा कि संतान में के स्वास्थ्य में कुछ बाधाएं आएंगी लेकिन फिर बाद में वो स्वस्थ होना शुरू कर देगा, यानी कि उसके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा। वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा और यही ऐसा ही कुछ ये स्पष्ट करता है ये रेखा। यदि द्वीप चिन्ह
संतान रेखा के अंत में हो तो बच्चा कभी भी स्वस्थ नहीं होगा। अगर यही द्वीप चिन्ह संतान रेखा के अंत में हो, जैसे कि मान लीजिए ये संतान रेखा है और संतान रेखा के ऐसे ये अंत में हो, जैसे कि मान लीजिए ये द्वीप चिन्ह है संतान रेखा के ऐसे अंत में बना हो, तो बच्चा जो है कभी भी स्वस्थ नहीं होगा। ये इस बात का सूचक है। यदि समस्त संतान रेखाओं में कोई रेखा सबसे अधिक सुस्पष्ट और बलवान हो तो उस रेखा से संबंधित बच्चा सबसे अधिक माता पिता का प्रिय होगा और अन्य बच्चों से अधिक सफलता प्राप्त करेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोई भी जो ये संतान रेखा है वो काफी बलवान हो, यानी कि बहुत ही गहरा हो, काफी गहरा हो, स्पष्ट हो और सुस्पष्ट दिखाई देता हो, तो ऐसा इस तरीके से इस रेखा से संबंधित जो बच्चा होगा अपने माता पिता का बहुत ही प्रिय होगा और वो और सारे बच्चों में अधिक प्रतिभाशाली होगा और अपने माँ बाप का नाम रोशन करने वाला होगा। ये अगर रेखा गहरी और सुस्पष्ट हो तो बच्चे कितने होंगे यह जानने के लिए रेखाओं की गणना कर्तन के किनारे से करनी चाहिए। जैसे कि कितनी संतानें होंगी इसके लिए गणना हमें करनी चाहिए, और वो गणना कैसे होती है, इधर शुरुआत से करेंगे, इधर से शुरुआत होती है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि इस चित्र में यहाँ से स्टार्ट शुरू करेंगे गिनना 1 2 3, तो इस हाथ के अनुसार 3 संतान व्यक्ति के होंगे। तो यहाँ से अगर गिनते हैं तो यहाँ पहली संतान जो है वो बहुत ही क्षीण लाइन है, बहुत ही पतली दुबली लाइन है, ये आप देख रहे हैं। तो व्यक्ति की पहली संतान जो होगी वो लड़की होगी। फिर दूसरे नंबर पे जाते हैं तो दूसरे नंबर पे भी ये काफी गहरी लाइन दिखाई दे रही है हमें, ये काफी गहरी लाइन दिखाई दे रही है हमें। तो अगर अब जैसा कि हमने बताया कि कभी भी अगर लाइन गहरी हो, कभी भी लाइन अगर गहरी हो तो इसका मतलब होता है कि पुत्र संतति का योग है। आप देखिए कि यहाँ पर ये पहली संतति के बाद यहाँ पे दो लाइनें हैं वो काफी गहरी हैं, काफी गहरी दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि ये दोनों ही संततियां जो है वो पुत्र संतति है और ये पुत्री संतति के बाद आती है। जिस व्यक्ति के हाथ में शुक्र क्षेत्र बिल्कुल सपाट हो और बहुत कम विकसित हो यह संतानहीन होता है। ऐसा हाथ संतानहीनता का सूचक होता है। यह बात और भी अधिक निश्चित हो जाती है यदि प्रथम मणिबद्ध रेखा मेहराब की तरह हथेली की ओर उठ जाए। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।